गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने डाई हेलोएल्केन बनाने की विधियां कंप्लीट की थी और आज अपन स्टार्ट करेंगे डाई हेलोएल्केन के रासायनिक गुण। अब देखिए, इसके जो रासायनिक गुण हैं वो हेलोएल्केन के समान ही हैं। जैसे अपन ने बताया था कि जो हेलोएल्केन है वो जलीय क्षार के साथ देता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और एल्कोहोलिक क्षार के साथ देता है विलोपन अभिक्रिया। उसी प्रकार डाई हेलोएल्केन है वो भी जलीय क्षार के साथ तो देंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और एल्कोहोलिक क्षार के साथ देंगे विलोपन अभिक्रिया। तो देखिए, पहले अपन देखते हैं जलीय क्षार से क्रिया। या इसको अपन कह सकते हैं डाई हेलोएल्केन का क्षारीय जल अपघटन। तो देखिए, अपन ने बताया था कि जो हेलोएल्केन है वो जलीय क्षार के साथ क्या देते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन देते हैं, SN रिएक्शन। वैसे ही डाई हेलोएल्केन है वो भी जलीय क्षार के साथ क्या देंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, SN रिएक्शन। अब देखिए, जो जेम डाई हेलोएल्केन है, कौन से डाई हेलोएल्केन, जेम डाई हेलोएल्केन, वो जलीय क्षार के साथ क्रिया करके देते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कार्बोनिल यौगिक। आपने कल डाई हेलोएल्केन बनाने की विधियां की थी और आपने कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन को बदला था किसमें, जेम डाई हेलोएल्केन में, किससे क्रिया करवाकर, PCl5 से क्रिया करवाकर। आज अपन जेम डाई हेलोएल्केन को बदलेंगे एल्डिहाइड और कीटोन में, कार्बोनिल यौगिक में। कैसे, जलीय क्षार से क्रिया द्वारा। तो देखिए, ये अपन ने ले लिया जेम डाई हेलोएल्केन। जेम डाई हेलोएल्केन में क्या होता है, दो हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे होते हैं। अब यहां कार्बन की संख्या दो है तो इसका नाम हो जाएगा एथिलीडीन क्लोराइड। अब देखिए, हेलोएल्केन में हेलोजन कितना था, एक, इसलिए अपन ने जलीय क्षार से जब क्रिया कराई थी तो जलीय क्षार का एक अणु लिया था। यहां हेलोजन परमाणु कितने हैं, दो हैं, तो अपन जलीय क्षार के कितने अणु ले लेंगे, दो अणु ले लेंगे। अब जैसे जलीय क्षार के रूप में ले लिया KOH और क्षार यहां पे कैसा लेना है, जलीय, तो KOH के कितने अणु ले लेंगे, दो अणु। अब देखिए, तो यहां पे क्या होगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होगा, यानी यहां से दोनों हेलोजन है वो चले जाएंगे Cl- के रूप में, यहां K+ OH-, अब ये जो दो Cl- है ये चले जाएंगे दो पोटेशियम के साथ -2 KCl, और दो Cl- की जगह आ जाएंगे दो OH-, यानी Cl- को प्रतिस्थापित कर देगा कौन, OH-। तो एक नाभिक स्नेही ने दूसरे नाभिक स्नेही को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित, तो ये हो गया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन।
अब इस कार्बन पे दो Cl की जगह आ जाएंगे दो OH, तो देखिए ये प्राप्त होगा CH3CH, ये दो OH आ गए, ठीक है। अब देखिए एक ही कार्बन पे यदि क्या हो, दो OH हो, एक ही कार्बन पे दो OH हो तो इसको कहा जाता है हाइड्रेट। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रेट कहते हैं। और हाइड्रेट कंडीशन है वो क्या होती है? अस्थाई होती है। हाइड्रेट कंडीशन क्या होती है? अस्थाई होती है, ठीक है। और इस हाइड्रेट में से तुरंत जल काणु बाहर निकल जाता है, तो हाइड्रेट अस्थाई होता है और इसमें से तुरंत किसका अणु बाहर निकल जाएगा? जल का अणु बाहर निकल जाता है। किस प्रकार? ये जो दो OH है इनमें से जल का अणु बाहर निकलेगा, एक OH का H और दूसरा OH कंप्लीट, तो इस प्रकार से यहां से जल का अणु बाहर निकल जाता है। अब इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या है? हाइड्रोजन, तो ये हो गया हाइड्रोजन। तो इस प्रकार अपन को क्या प्राप्त हो गया? एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। क्या है ये? एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड है ये? इसका सामान्य नाम एसिटाल्डिहाइड, और IUPAC दो कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एल्डिहाइड के लिए एल, एथेनेल। तो इस प्रकार अपन ने एथिलीडीन क्लोराइड है उसकी क्रिया जलीय क्षार से करवाकर इसको बदल लिया किसमें? एसिटाल्डिहाइड या एथेनेल में। अब देखिए यदि आपको यहां पे प्राप्त करना है प्रोपेनेल, क्या प्राप्त करना है? प्रोपेनेल, तीन कार्बन वाला एल्डिहाइड, तो आपको यहां लेना पड़ेगा प्रोपिलीडीन क्लोराइड। क्या लेना पड़ेगा? प्रोपिलीडीन क्लोराइड। यदि आपको यहां तीन कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाना है प्रोपेनेल, तो आपको लेना पड़ेगा प्रोपिलीडीन क्लोराइड, जिसमें दोनों हैलोजन हैं वो किनारे वाले कार्बन पे होंगे। दोनों हैलोजन किस पे होंगे? किनारे वाले कार्बन पे। अब देखिए प्रोपिलीडीन क्लोराइड वही 2KOH से रिएक्शन करवा दी, 2KCl चला गया, और इस प्रकार ये क्या प्राप्त हो गया? हाइड्रेट। और हाइड्रेट अस्थाई होता है, यहां से निकल जाएगा जल का अणु। और जल का अणु निकल जाएगा, उसके बाद अपन को प्राप्त हो जाएगा तीन कार्बन वाला एल्डिहाइड। तीन कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एल्डिहाइड के लिए एल, प्रोपेनेल। तो ये प्रोपिलीडीन क्लोराइड को बदल दिया प्रोपेनेल में। अब देखिए यदि आपको बनाना है एसीटोन यानी कीटोन, कीटोन के पहले सदस्य में कार्बन कितने होते हैं? तीन होते हैं। कीटोन का पहला सदस्य क्या होता है? एसीटोन, प्रोपेन टू ऑन, प्रोपेनॉन, उसमें कार्बन तीन होते हैं। लेकिन वहां पे जो क्रियात्मक समूह है, वहां पे क्रियात्मक समूह है वो होता है बीच वाले कार्बन पे। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह कहां होता है? किनारे पर होता है, इसलिए अपन ने यहां प्रोपिलीडीन क्लोराइड लिया था जिसमें दो हैलोजन किनारे वाले कार्बन पे। अब यदि आपको कीटोन बनाना है तीन कार्बन वाला, तो कीटोन में क्रियात्मक समूह कहां होता है? बीच में। तो यहां आपको ऐसा जेम डाई हेलोएल्केन लेना है तीन कार्बन वाला, जिसमें दोनों हैलोजन हो बीच वाले कार्बन पे, जिसमें दोनों हैलोजन क्या हो? बीच वाले कार्बन पे। इसका आप क्षारीय जल अपघटन कराओगे तो आपको कीटोन प्राप्त होगा। ये क्या है? ये है आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड।
ये तो था प्रोपिलीडीन क्लोराइड, इससे तो प्रोपेनॉल प्राप्त हुआ था, और आप लोगे आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड। तो 2Cl 2 पोटेशियम के साथ माइनस 2KCl और 2Cl की जगह आ जाएंगे 2OH, तो ये हो गया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ये एक ही कार्बन पे क्या आ गए, 2OH, और एक ही कार्बन पे 2OH हो तो इस कंडीशन को कहते हैं क्या, हाइड्रेट, जो कि क्या होती है, अस्थाई होती है। तो ये हाइड्रेट कंडीशन बन गई, और इस हाइड्रेट से तुरंत बाहर निकल जाता है किसका अणु, जल का अणु। तो ये यहां से निकल गया जल का अणु, ठीक है। अब इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये आपका प्राप्त हो गया कीटोन, C डबल बॉन्ड O कीटोनिक समूह, और दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, तो कीटोनिक समूह है वो बीच वाले कार्बन पे होता है। तो इस कीटोन का सामान्य नाम एसीटोन, और IUPAC 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, कीटोन 2 नंबर पे है तो 2-ON, प्रोपेन 2-ON। तो ये जेम डाई हेलोएल्केन है, उसका क्षारीय जल अपघटन है, जलीय क्षार से क्रिया, जहां होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब अपन लेंगे विष डाई हेलोएल्केन, अभी जेम डाई हेलोएल्केन लिया था, अब लेंगे विष डाई हेलोएल्केन। अब विष डाई हेलोएल्केन की जलीय क्षार से क्रिया कराएंगे तो वही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होगा, और यहां प्राप्त होगा ग्लाइकोल। यहां उत्पाद क्या प्राप्त होगा, ग्लाइकोल। अब देखिए विष डाई हेलोएल्केन तो क्या होता है, जिसमें दो हेलोजन निकटवर्ती कार्बन पे होते हैं, और ग्लाइकोल क्या होता है, जिसमें दो OH समूह निकटवर्ती कार्बन पे होंगे, यानी यहां पे दो Cl को दो OH क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित, तो दो Cl की जगह दो OH आ जाएंगे निकटवर्ती कार्बन पे, और विष डाई हेलोएल्केन बदल जाएगा किसमें, ग्लाइकोल में। तो देखिए किस प्रकार, ये विष डाई हेलोएल्केन ले लिया, दो हेलोजन क्या है, निकटवर्ती कार्बन पे, अब दो कार्बन के लिए एथ, विष के लिए इलीन, एथिलीन डाई क्लोराइड। अब दो हेलोजन है तो जलीय क्षार के भी कितने अणु ले लेंगे, दो अणु ले लेंगे, और ये हो जाएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ये Cl इस पोटेशियम के साथ, और ये Cl इस पोटेशियम के साथ, माइनस 2KCl,
और Cl की जगह आ जाएंगे 2OH। ठीक है, तो ये दो OH आ गए निकटवर्ती कार्बन पे, और दो OH समूह निकटवर्ती कार्बन पे हो तो उसको क्या कहा जाता है, ग्लाइकोल कहा जाता है। तो यहां दो कार्बन है तो एथिलीन ग्लाइकोल, तो यहां पे भी दो Cl को प्रतिस्थापित कर दिया दो OH ने, यहां पे भी क्या हो गया, नाभिक ने ही प्रतिस्थापन। अब जब आपने जेम डाई हेलोएल्केन लिया था वहां पे दो OH आए थे एक ही कार्बन पे, अब दो OH एक ही कार्बन पे हो तो उसको हाइड्रेट कहते हैं, जो क्या होता है, अस्थाई होता है, इसलिए वहां तुरंत जल का अणु बाहर निकल गया था और वो हाइड्रेट बदल गया था एल्डिहाइड और कीटोन में। ये जो यौगिक है ग्लाइकोल जिसमें दो OH होते हैं निकटवर्ती कार्बन पे, ये एक स्थाई अवस्था है, ये क्या होता है, स्थाई होता है, यहां से जल का अणु बाहर नहीं निकलता। तो इस प्रकार अपन ने कहा कि जब विष डाई हेलोएल्केन की जलीय छाड़ से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ग्लाइकोल प्राप्त होता है। ठीक है, अब डाई हेलोएल्केन की करेंगे दूसरी अभिक्रिया। अल्कोहलिक क्षार से क्रिया, और अपन ने बताया था कि हेलोएल्केन है वो अल्कोहलिक क्षार के साथ कौन सी अभिक्रिया देता है, विलोपन अभिक्रिया। तो डाई हेलोएल्केन है वो भी अल्कोहलिक क्षार के साथ क्या देंगे, विलोपन अभिक्रिया देंगे। यानी जिस प्रकार हेलोएल्केन की अल्कोहलिक क्षार से क्रिया कराई थी तो HX का अणु क्या निकल गया था, बाहर निकल गया था, और हेलोएल्केन बदला था एल्कीन में। यहां दो हेलोजन है तो अल्कोहलिक क्षार से क्रिया कराएंगे तो दो HX के रूप में बाहर निकल जाएंगे। अब हेलोएल्केन से एल्कीन प्राप्त हुई थी, डाई हेलोएल्केन से प्राप्त होगी एल्काइन। ठीक है ना, तो देखिए डाई हेलोएल्केन की अल्कोहलिक क्षार से क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, विलोपन अभिक्रिया होगी, और यहां से किसका अणु बाहर निकलेगा, HX का। अब HX का अणु बाहर निकलना वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, तो इसे अपन डाई हेलोएल्केन का वी हाइड्रो हेलोजनीकरण भी कह सकते हैं। तो यहां पे आप जेम ले लो चाहे विष ले लो, जेम और विष दोनों ही अल्कोहलिक क्षार से क्रिया करके विलोपन या वी हाइड्रो हेलोजनीकरण द्वारा किस में बदलते हैं, एल्काइन में बदलते हैं। हेलोएल्केन की विलोपन कराई थी तो प्राप्त हुआ था एल्कीन, जेम डाई हेलोएल्केन और विष डाई हेलोएल्केन का विलोपन कराएंगे तो एल्काइन प्राप्त होती है। देखिए किस प्रकार, यहां पे क्षार है वो कैसा होगा, एल्कोहलिक क्षार होगा। अब देखिए विलोपन अभिक्रिया का क्या रूल है, HX के बाहर निकलेगा, हेलोजन है वो जाता है अल्फा कार्बन से और हाइड्रोजन जाता है बीटा कार्बन से। तो हेलोजन से अटैच कार्बन अल्फा और अल्फा के पास वाला बीटा, तो हेलोजन तो जाएगा अल्फा से और हाइड्रोजन जाएगा बीटा से। तो इस प्रकार यहां से HCl का अणु बाहर निकल जाएगा, विलोपन हो गया, कार्बनिक यौगिक में से
छोटे अणु का बाहर निकलना विलोपन होता है, तो यहाँ छोटे अणु के रूप में क्या निकल गया, HCl, यहाँ CH3 की जगह CH2, सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड, और यहाँ CHCl, ये प्राप्त हो गया CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अभी एक हैलोजन और बाकी है, तो इसकी क्रिया फिर से करा देंगे एल्कोहलिक क्षार से, फिर से विलोपन हो जाएगा वही अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। फिर से HCl का अणु बाहर निकल जाएगा, यहाँ CH डबल बॉन्ड किसमें बदल जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में, और यहाँ भी CH, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दो कार्बन के लिए एथ और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन, तो ये क्या प्राप्त हो गया, एथाइन प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए यदि आपको यहां पे क्या बनाना हो, प्रोपाइन बनाना हो, क्या बनाना हो, प्रोपाइन, यदि आपको प्रोपाइन बनाना है तो आप ये जेम डाई हेलो एल्केन लोगे, आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड, यहां से दोनों हेलोजन चले जाएंगे और यहां से दो हाइड्रोजन। ठीक है, एल्कोहलिक क्षार के कितने अणु ले लो, दो अणु, तो दो HCl का विलोपन हो जाएगा, इस प्रकार 2HCl, हेलोजन जुड़ा है वो वाला कार्बन अल्फा और उसके पास वाला बीटा है ना, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, तो 2HCl जाएंगे और इन दोनों कार्बन के बीच हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और ये आपको प्राप्त हो जाएगा क्या, प्रोपाइन। ठीक है, अब देखिए ये तो जेम डाई हेलो एल्केन था, अब अपन लेंगे विष डाई हेलो एल्केन, अब विष डाई हेलो एल्केन में दो हेलोजन होते हैं निकटवर्ती कार्बन पे, तो ये विष डाई हेलो एल्केन हो गया एथिलीन डाइक्लोराइड। अब एल्कोहलिक क्षार से क्रिया करानी है, तो विलोपन होगा, अब देखिए एक कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो और दूसरे कार्बन से हैलोजन निकाल दीजिए, है ना, एक कार्बन से हैलोजन जाएगा और उसके पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो इसका हैलोजन और इसका हाइड्रोजन, तो ये HCl का अणु बाहर निकल गया। अब देखिए यहां बचा CH2, यहां सिंगल बॉन्ड की जगह क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहां CHCl, यही आ गया। अब इसकी फिर से क्रिया कराएंगे एल्कोहलिक क्षार से, इसमें से फिर से HCl का अणु क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इस कार्बन से Cl और इस कार्बन से H, अब इन दोनों कार्बन के बीच हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, यहां CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो दो कार्बन के लिए एथ, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन, ये बन गया एथाइन। तो इस प्रकार आपने देखा कि जेम डाई हेलो एल्केन और विष डाई हेलो एल्केन दोनों एल्कोहलिक क्षार से क्रिया करके
विलोपन या वी हाइड्रोहेलोजनीकरण द्वारा क्या देते हैं, एल्काइन देते हैं। तो ये डाई हेलो एल्केन की दूसरी अभिक्रिया हो गई। अब डाई हेलो एल्केन की तीसरी और लास्ट अभिक्रिया, वी हेलोजनीकरण, यानी डाई हेलो एल्केन में से किसका बाहर निकलना, हेलोजन का बाहर निकलना। अब डाई हेलो एल्केन के वी हेलोजनीकरण की कंडीशन क्या होती है, डाई हेलो एल्केन की किससे क्रिया कराते हैं, जिंक के साथ, किसके साथ, जिंक के साथ, और वो भी मेथेनॉल की उपस्थिति में। तो देखिए पहले लेते हैं जेम डाई हेलो एल्केन को, और जेम डाई हेलो एल्केन का वी हेलोजनीकरण करवाएंगे तो प्राप्त होगा उच्चतर एल्कीन। क्या प्राप्त होगी, उच्चतर एल्कीन प्राप्त होगी। देखिए किस प्रकार, ये जेम डाई हेलो एल्कीन ले लिया, दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे, एथिलीडीन क्लोराइड, यहां जेम डाई हेलो एल्केन के दो अणु लेंगे। अब इसमें दो हैलोजन हो गए और इसमें भी दो हैलोजन हो गए। अब एक जिंक के साथ जाएंगे दो हैलोजन, एक जिंक के साथ कितने हैलोजन जाएंगे, दो, क्योंकि जिंक पे होता है प्लस दो और सीएल पे होता है माइनस एक। तो एक जिंक के साथ कितने क्लोरीन जाएंगे, दो क्लोरीन जाएंगे। तो यहां चार क्लोरीन है तो जिंक के ले लेंगे कितने परमाणु, दो परमाणु, ठीक है। और उपस्थिति यहां पे होती है मेथेनॉल की, इसकी उपस्थिति होती है मेथेनॉल की। ये अभिक्रिया आप देख सकते हो कुछ कुछ वुड्स अभिक्रिया की जैसी है। आपने हेलो एल्केन की सोडियम धातु के साथ क्या पढ़ी थी, वुड्स अभिक्रिया पढ़ी थी। वहां आपने हेलो एल्केन के लिए थे दो अणु, जिंक की जगह क्या था, सोडियम, और मेथेनॉल की जगह क्या था, शुष्क इथर। वहां प्राप्त हुआ था उच्चतर एल्केन और यहां प्राप्त होती है उच्चतर एल्कीन। तो देखिए इसके दोनों हैलोजन और इसके दोनों हैलोजन ये चले जाएंगे किसके साथ, जिंक के साथ। तो इनका हो जाएगा वी हैलोजनीकरण, यानी यहां से केवल क्या बाहर निकल रहा है, हैलोजन। तो इनका वी हैलोजनीकरण हो जाएगा और ये दो अणु प्राप्त होंगे किसके, जिंक क्लोराइड के। अब इधर बच गया CH3CH, इधर भी CH3CH, इनको जोड़ दो, ये डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे तो CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बन गया चार कार्बन के लिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे है तो टू इन। अब देखिए आपने जो जेम डाई हेलो एल्केन लिया था उसमें कार्बन की संख्या कितनी थी, दो, जबकि जो एल्कीन बनी है उसमें कार्बन की संख्या चार। तो ये यहां उच्चतर एल्कीन प्राप्त होती है।
ठीक है। तो जेम डाई हेलोएल्केन का वी हेलोजनीकरण करवाते हैं जिंक और मेथेनॉल के साथ, उच्चतर एल्कीन प्राप्त होती है। अब देखिए, अब अपन लेंगे विश डाई हेलोएल्केन। अब विष डाई हेलोएल्केन का वी हेलोजनीकरण कराएंगे तो संगत एल्कीन प्राप्त होगी, यानी समान कार्बन वाली। तो देखिए, ये ले लिया विष डाई हेलोएल्केन, दोनों हेलोजन पास पास वाले कार्बन पे हैं, एथिलीन डाई क्लोराइड। यहां विष डाई हेलोएल्केन का भी एक अणु और जिंक है उसका भी एक परमाणु। यहां पे इनके दो अणु लिए थे जेम के, और जिंक के दो परमाणु लिए थे। यहां विष का एक ही अणु लेना है और जिंक का एक परमाणु। उपस्थिति मेथेनॉल की, तो देखिए ये जो दोनों क्लोरीन है वो चले जाएंगे किसके साथ, जिंक के साथ। तो इसका हो गया वी हेलोजनीकरण और इन दोनों कार्बन के बीच हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, दो कार्बन के लिए एथ, डबल बॉन्ड के लिए इन, एथीन। लिए गए विष डाई हेलोएल्केन में कार्बन कितने, दो, और बनी हुई एल्कीन में भी कार्बन कितने, दो। यानी विष डाई हेलोएल्केन का वी हेलोजनीकरण कराते हैं तो, और जिंक और दो क्लोरीन मिलकर के बना लेते हैं ZnCl2, जिंक क्लोराइड। तो ये वी हेलोजनीकरण हो गया विष डाई हेलोएल्केन का। अब देखिए, अब अपन वी हेलोजनीकरण करवाएंगे अल्फा ओमेगा डाई हेलोएल्केन का, और अल्फा ओमेगा डाई हेलोएल्केन का वी हेलोजनीकरण करवाते हैं तो प्राप्त होता है साइक्लो एल्केन। अल्फा ओमेगा डाई हेलोएल्केन का वी हेलोजनीकरण कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, साइक्लो एल्केन प्राप्त होगा। देखिए किस प्रकार, अल्फा ओमेगा डाई हेलोएल्केन में कार्बन तीन या तीन से ज्यादा होते हैं, और एक हेलोजन प्रथम कार्बन पे और दूसरा हेलोजन होता है अंतिम कार्बन पे। तो ये चार कार्बन हो गए, एक ब्रोमीन पहले पे और दूसरा ब्रोमीन चौथे पे यानी लास्ट कार्बन पे। तो ये अल्फा ओमेगा डाई हेलोएल्केन हो गया। क्या नाम हो गया इसका, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 1,4-dibromobutane, 1,4-dibromobutane। अब वी हेलोजनीकरण कराना है यानी दोनों ब्रोमीन को बाहर निकालना है, तो जिंक का एक परमाणु ले लेंगे, वी हेलोजनीकरण हो जाएगा किसकी उपस्थिति में, मेथेनॉल की उपस्थिति में। तो ये जो दोनों BR है वो चले जाएंगे जिंक के साथ, ZnBr2 किसका निर्माण हो जाएगा, जिंक ब्रोमाइड का। अब यहां से दोनों हेलोजन चले गए तो ये दोनों कार्बन है वो आपस में जुड़ जाएंगे सिंगल बॉन्ड के द्वारा। अब ये इधर से भी बंद है और इधर भी बंद बन जाएगा तो ये एक चक्रीय संरचना हो जाएगी।
तो ये चार कार्बन की एक बंद कार्बन श्रृंखला बन गई, चक्रीय संरचना बन गई। अब चक्रीय संरचना के लिए साइक्लो, चार कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये बन गया साइक्लो ब्यूटेन। तो इस प्रकार अल्फा ओमेगा डाई हेलोएल्केन का वी हेलोजनीकरण कराते हैं तो साइक्लो एल्केन प्राप्त होता है। जेम का वी हेलोजनीकरण कराया तो उच्चतर एल्कीन, विस का वी हेलोजनीकरण कराया तो संगत एल्कीन, और अल्फा ओमेगा डाई हेलोएल्केन का कराया तब साइक्लो एल्केन। तो ये डाई हेलोएल्केन्स के रासायनिक गुण, और डाई हेलोएल्केन है वो कंप्लीट है। इसके जो भौतिक गुण है, भौतिक गुण वह सेम टू सेम हेलोएल्केन की तरह ही होते हैं, यानी ये रंगहीन होते हैं और हेलोजन यौगिक है, वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करते, इसलिए जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। और समान समान को घोलता है के सिद्धांत से ये कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलयशील, क्योंकि ये भी कार्बनिक यौगिक है और कार्बनिक विलायक होगा तो समान समान को घोलता है के सिद्धांत से ये उनमें घुलनशील होंगे। कार्बनिक विलायकों में घुलनशील, जल क्या है, अकार्बनिक विलायक, तो जल के साथ ये हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करते, इसलिए जल में क्या होते हैं, अघुलनशील। तो इनके भौतिक गुण है वो हेलोएल्केन की तरह ही होते हैं। तो ये आपका डाई हेलोएल्केन है वो क्या है, कंप्लीट है। अगली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे ट्राई हेलोएल्केन हेलोफॉर्म, जिसमें क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म इनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।